तो जी अभी हम लोग निकल गए हैं जीत भाई के अपार्टमेंट से, और हमारा अब प्लान है एक लेक पे जाने का। लेक है यहाँ पास में, अभी देखी थी गूगल मैप पे, काफ़ी बड़ी लेक लग रही थी। तो उसके बाद हम लोग प्लान करेंगे फिर यहाँ का जो सिटी सेंटर में एक स्क्वायर है, स्कंदरबाग स्क्वायर, काफ़ी फेमस है। तो आइए फिर आपको आज घुमाते हैं अल्बेनिया की राजधानी तिराना के एक बड़ी खूबसूरत लेक। ये एक अच्छी चीज़ है कि विदेश में जो अपने लोग जब मिलते हैं, ये एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है और सच में अच्छा लगता है। लगभग पिछले 2 महीने से घूम रहा हूँ अलग अलग जगह पे, अलग अलग शहर, अलग अलग देश, लेकिन 2 महीने बाद पहली बार जीत भाई मिले हैं भारत से, और जिनके साथ में कल लंच करने का मौका मिला। अभी हमने फिर से एक बार लंच किया साथ में और सच में बड़ा मज़ा आया। वो जो है ना एक इंडियन फूड, उसकी बात ही कुछ और थी। ये तो बात है, फॉरेन में इंडियन फूड की वैल्यू हमसे पूछो। हाँ, फॉरेन में अगर कोई इंडियन मिला आपको, जेन्युइन बंदा, तो समझ जाइए वो आपका दोस्त बन गया। देश से बाहर जब भी आप आते हैं तो एक अलग ही फील होता है, क्योंकि आप खुद भी ट्रैवल करते हैं, जो दूसरे हैं वो भी ट्रैवल करते हैं। तो जब वो बोलते हैं ना, जब मिल बैठे दो यार, तो उसकी बात ही कुछ अलग हो जाती है ना। तो ये एक अलग फीलिंग होती है देश के बाहर जब आप अपनों से मिलते हैं, अपनी कोई भी चीज़। अच्छा, मॉस्को में मुझे एक बार ना अपना तिरंगा दिखाई दिया था। हाँ, मतलब मैं आपको सच बात बता रहा हूँ यार, मैं थोड़ी देर के लिए इमोशनल हो गया था उस तिरंगे को देख के। आप सर्बिया चले जाओ, वहाँ पे भी 2-3 रेस्टोरेंट के बाहर तिरंगे दिख जाएंगे आपको। अच्छा, और एक्सपो 2020 में यार बहुत मजा आया था मुझे देखने में। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कई बार अजनबियों से बात करते हो चाहे वो भले ही इंडियन ही क्यों ना हो, तो थोड़ा सा आपको। मेरा एक बैड एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं रशिया में था, तब रशिया में एक बंदे ने मुझे पीछे से कॉल आउट किया। अच्छा, तो मैंने बोला हाँ हाँ हेलो, तो हिंदी में बात कर रहा था। और जब मुझसे हिंदी में बात की, मैंने खुश हो गया। और उसके बाद मैंने उसको पूछा तुम कहाँ से, तो उसने मुझे बताया मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, मैं बोला दिल्ली से है तो अच्छी बात है। मैंने उसको डीपली पूछने क्वेश्चन स्टार्ट कर लिए, दिल्ली में कहाँ से हो, कहाँ पे रहते हो, क्योंकि दिल्ली मैं वहाँ पे रहा हूँ तो मुझे अच्छा नॉलेज है। तो वो बता नहीं पा रहा था। ओह अच्छा, तब मेरे को थोड़ा डाउट हुआ यार कि ये क्या बंदा क्यों नहीं बता पा रहा है। तब मैंने बोला सच बताओ। हाँ, तो उसने मुझे पता चल गया यार ये कोई अलग ही है। तब मैंने बोला तुम इंडियन तो नहीं हो। हाँ, वो पाकिस्तान से तो नहीं था? पाकिस्तान से था। ये मेरे साथ हुई थी 2019 से। वो 2019 में मेरे साथ क्या हुआ था, मॉस्को एयरपोर्ट पे ही एक बंदा आया और आके ऐसे साइड में बैठ गया। तो उसने मुझसे बोला कि आप इंडिया से? मैंने कहा हाँ मैं इंडिया से हूँ, आप कहाँ से? तो उसने बोला नहीं, मैंने बोला कि आप भी इंडिया से हो? तो उसने ऐसे सर हाँ में सर लाया कि हाँ। मैंने कहा कहाँ से? तो उसने बोला दिल्ली से। मैंने कहा वाह यार, मैंने कहा दिल्ली में कहाँ से भाई, मैं तो दिल्ली रहता हूँ। वो फंस गया और बता नहीं पाया। वो मुझे पता क्या बोलता, कह रहा मैं इंडिया गेट के पास हूँ। उसने इंडिया गेट का नाम सुना हुआ है? इंडिया गेट में तो भाई कोई जगह ही नहीं है। मैंने कहा इंडिया गेट के पास कौन सी जगह है, कहाँ रहते हो? वो बेचारा फंस गया, फंस के बोलता कराची से। मैं उसको बोला, मैं बोला तुम इंडियन नहीं हो, तुम किसी और कंट्री को तुम। फिर मैंने बोला तुम बांग्लादेशी हो गए या पाकिस्तानी हो गए? ये मैंने सुना था कि बहुत सारे जो पाकिस्तानी लोग हैं वो अपने आप को इंडियंस बोलते हैं। इंडियन बोल के ना, इंडियन बोल के ना वो आपसे फ्रेंडशिप करेंगे, और उनको पता है ये इंडियन बड़े साफ मन के होते हैं। तो या फिर उनका आपका कुछ मौका मिलेगा ना, या तो आपका पासपोर्ट निकाल देंगे या फिर आपका पैसे लूट के भाग जाएंगे। एक रिसेंट केस मैं आपको बताता हूँ। किस तरफ जाना पहले? इस तरफ ना, ठीक है। एक इंडियन बंदा था, वो यूरोप में घूमने गया था। अच्छा, तो मुझे तो ट्रैवलर से मिल जाती डिटेल। यूरोप में घूमने गया तो उसने कुछ पाकिस्तानी दोस्त बनाए, और वो पाकिस्तानी रिफ्यूजी थे। अच्छा, तो उसका पासपोर्ट रेलवे स्टेशन पे उसके बैग से निकाल दिया, उसे पता नहीं चला। अरे हाँ, बैग से पता नहीं चला। और उसके बाद फिर वो पासपोर्ट ढूंढने बैठा, सब कुछ मतलब पासपोर्ट ही निकाल दिया। फिर वो वहाँ पे स्टक हो गया, पुलिस कंप्लेन किया, बहुत किया, बहुत रोया। तो भाई यार ये थोड़ा अलर्ट रहो, दोस्त बनाओ। पर हाँ ये है कि अगर आपको बाहर घूमने जाना है दोस्तों के साथ, तो प्लीज़ अपना पासपोर्ट
अपने बैग में रख लो, या फिर अगर आपके दो बंदा लग रहा है कि मेरा जेन्यून है, आपका 3-4-5 दिन दोस्त बन चुका है, हाँ। और उसके साथ रह रहे हैं, आपको लग रहा है भाई इंडियन, तसल्ली हो गई दिल को, तो अपना पासपोर्ट अपने पास रखो। पासपोर्ट साथ में इसलिए रखना चाहिए कि इन केस अगर कुछ होटल में या अपार्टमेंट में कुछ चोरी वोरी हो जाए पासपोर्ट ना जाए, हाँ। बट अगर जहाँ पे रिस्की ज़्यादा लग रहा है तो वहाँ पे पासपोर्ट अपने होटल या अपार्टमेंट या लॉकर वहाँ पे रख दो, या फिर अपना जो लगेज बैग रहता है उसके अंदर पासपोर्ट डाल के रख दो, क्योंकि सीसीटीवीज होती है, हाँ। अपार्टमेंट से कोई चोरी होगा नहीं, चोरी हॉस्टल से भी चांसेस कम है, हाँ, बिल्कुल। तो रिस्क मतलब ये बहुत उस बंदे की कहानी है, बहुत बेकार कहानी है। थोड़ा सा ध्यान रखने की सच में ज़रूरत होती है ट्रैवलिंग करते हुए, क्योंकि आप एक ऐसे देश में जा रहे हैं जहाँ पर आपको कोई नहीं जानता, और आपको कोई नहीं जानता तो जो समस्या आपको हो सकती है उसमें सिर्फ आप अकेले होंगे, और आप कैसे अब उस समस्या से निपटेंगे ये आपको अकेले करना है। तो ये थोड़ा सा आपको हल्का सा प्लान करना पड़ेगा। बाकी थोड़ा सा अपने अंदर पॉजिटिविटी ज़रूर रखिए कि भाई ऐसा भी नहीं कि सारे लोग चोर हैं या सारी चीज़ें, नेगेटिव मत जाओ, नेगेटिव नहीं होना, लेकिन अलर्ट रहना है, नेगेटिव थॉट्स कभी क्रिएट मत करना, हाँ। और स्ट्रेंजर से आप मिलो, पहले उसे परखो, देखो यार बॉडी लैंग्वेज देखो, उसी समय आप पहचान लोगे, इसको मैंने देखा, उसका चेहरा देखा, हाँ यार ये बंदा है, तो मैंने सीधा बोल दिया भाई रशिया में क्या हाल हुआ, तो वही बात है, तो लगा कि भाई यार ये जेन्युइन बंदा है, तो मैंने बोला ठीक है। अगर आप एयरपोर्ट से बस में आते हैं तो वो बस भी आपको यहीं पे उतारेगी। मेरा जो हॉस्टल है यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे है, ये वाली जो बिल्डिंग है मेरे पीछे ये यहाँ का एक लैंडमार्क आप कह सकते हैं, आपको दूर से ही नज़र आ जाएगी। 300 लेक का मतलब हो गया 210 रुपये यहाँ पे लगते हैं एयरपोर्ट से यहाँ पहुँचने के, मैं बस से मुझे देने पड़े थे 2500 लेक, जो कि बहुत महंगा था सच में, लगभग 1600-1700 रुपये मैंने पे किए टैक्सी में। मैं कभी टैक्सी यूज़ नहीं करता, लेकिन रात को मेरी फ़्लाइट लैंड हुई थी तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अच्छा, रशिया की वीडियोस पे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि यहाँ पे मोटर बाइक्स नहीं होती क्या, तो भाई साहब रशिया में मोटर बाइक्स उतनी ही होती है जितनी कि इंडिया में फरारी आपको देखने को मिलेगी कभी कभार। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है क्योंकि वहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि बाइक चलाना तो आप भूल जाइए, कि 6 महीने अगर आप बाइक चला सकते हैं वहाँ पे तो पैदल नहीं चल सकते शाम को। जिस दिन मैं आया था उस दिन वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा था, आप सोचिएगा, लेकिन यहाँ पे जो टेम्परेचर है लगभग 20 के आसपास है, मेरे ख्याल से 18-20 हो गए ना, 18-20 के आसपास का टेम्परेचर है, लेकिन इस टाइम पर रशिया में बहुत ज़्यादा ठंड है, तो बंदा क्या बाइक चलाएगा वहाँ पर इतनी ठंड में। तो ये है जनाब तिराना का जो मशहूर सिकंदरबर्ग स्क्वायर, ये आप कह सकते हैं बिल्कुल सिटी सेंटर में है, और सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट आते हैं वो इसी जगह में आते हैं। यहाँ पे आपको एक भाई साहब मिलेंगे घोड़े पे बैठे हुए, और ये अगर आप तिराना टाइप करेंगे गूगल में तो ये भाई साहब ज़रूर आपको देखेंगे। इसके साथ में ही यहाँ पे पीछे आप देख रहे होंगे ओपेरा है पीछे, और यहाँ पे एक म्यूज़ियम है साथ में इस साइड में, और साथ में यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स हैं जो अब कंस्ट्रक्ट हो रही हैं। ये है तिराना का इंटरनेशनल होटल, बहुत ऊंचा बनाया जा रहा है इसको, और कुछ बिल्डिंग उस साइड में है, और एक वहाँ पे मॉस्क है बड़ी प्यारी सी छोटी सी। तो ये है यहाँ का मेन सिटी सेंटर। जब भी आप एयरपोर्ट से जब भी आएंगे तो यहाँ पर आपको छोड़ा जाएगा, यहाँ पर आगे बसें खड़ी रहती हैं। तो सिकंदरबर्ग जो स्क्वायर है यहाँ पे काफ़ी फेमस है, यहाँ पे आपको बहुत सारे टूरिस्ट मिल जाएंगे। अभी फ़िलहाल जो टूरिस्ट हैं वो इसलिए कम हैं यहाँ पे अल्बेनिया में, क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने अल्बेनिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है यहाँ से, यानी कि ना यहाँ पे कोई आता है और यहाँ से बाहर पता नहीं जाते हैं या नहीं जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने देश के लोगों के लिए रिस्ट्रिक्शन है कि अगर आप अल्बेनिया जाओगे तो फिर आपको क्वारंटीन रहना पड़ेगा या जो भी है, तो उस वजह से कहते हैं कि बहुत कम यहाँ पे टूरिस्ट आए हैं। अभी मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ दरअसल दुबई, रशिया, टर्की होते हुए, और यहाँ से आगे भी कुछ देशों का प्लान है मेरा, कहाँ जाऊँगा सच बात यह है मुझे खुद नहीं पता। मंडे को एक एम्बेसी में जाना है, वो है मॉन्टीनेग्रो, अगर वो वीज़ा दे देती है फिर मैं मॉन्टीनेग्रो निकल जाऊँगा, उसके बाद कहाँ जाना ये अभी डिसाइड नहीं हुआ। जहाँ पे भी जाएंगे देखते हैं कहाँ पे पहुँचते हैं, देखते हैं ट्रैवल साथ कब तक का है। तो ये ट्रैवलर की ज़िंदगी है, हमें अगले पल का कुछ नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं कैसे जा रहे हैं,
मोंटीनेग्रो वीजा दे देगा, मजा आ जाएगा, सच वो में दे देगा, 7 days का दे देता है, क्योंकि उनको पता है ये अगर इनको अगर गलत तरीके से जाना होता है तो वीजा क्यों अप्लाई करते हैं। हाँ बिल्कुल, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि अगला जो टूर होगा अल्बानिया के बाद में वो मोंटीनेग्रो का हो सके तो साथ में टूर करेंगे, हो सके भाई और मेरा साथ ही रहेंगे, बट मेरा कुछ सॉरी अल्बानिया में कुछ काम है तो उससे पहले जा नहीं सकता, मेरी जो वीजा की डेट मैंने डाली है 26 से ही डाली है। हाँ, तो भाई ये पहले चले जाएंगे तो मैं पीछे आ जाऊंगा। हाँ ये थोड़ा लेट आएंगे क्योंकि मैं पहले निकल जाऊंगा, ये थोड़ा लेट आएंगे, लेकिन मोंटीनेग्रो में हम दोनों फिर से आपको साथ में देखे। हाँ। जाएंगे तो जेन्युइन तरीके जाएंगे, कोई गलत तरीके से नहीं जाना है। हम लोग गलत तरीके से कभी भी ट्रैवल नहीं करते हैं, ना करना चाहिए। बार बार हम अपने वीडियोज में बोलते हैं, लोगों को एनकरेज करते हैं कि भाई गलत तरीके से मत जाओ, इससे ना सिर्फ आपका नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा और आने वाले जो भारत के लोग हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान होता है। सिटी सेंटर के पास में एक यहाँ पे पार्क है, काफ़ी खूबसूरत पार्क है। कल रात को हम लोग यहाँ पे आए थे दरअसल, लेकिन क्योंकि रात में कुछ दिखा नहीं तो हमने डिसाइड किया कि अभी जाते हुए, क्योंकि यहाँ हम जा रहे थे लेक की तरफ, तो गूगल से पता चला कि लेक की तरफ जाने का जो रास्ता है वो दरअसल यही है। तो भाई रास्ता तो यही है, पर ये भाई साहब ने हमारे साथ क्या सीन किया मैं आपको दिखाता हूँ। ये भाई साहब गूगल मैप लगाए और किए, हम लोग आधे रास्ते पाए, उसके बाद भाई साहब बोलते हैं हम जिस रास्ते से आए हम गलत है, वापस चलो। वापस गए, फिर गूगल मैप वही रास्ता बता रहा है, मतलब एक ही रास्ते के दो चक्कर करवा दिए। गूगल के भरोसे ना कई बार रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले गूगल बोलता है चलो सीधे चलो लेफ्ट राइट चलो, एक पॉइंट पे बोलता है कि अरे नहीं वापस जाना है, वापस तो जाना ही पड़ेगा, गलत रास्ते आओगे तो वापस गए। फिर जब फिर हम ढूंढने लगे बाद में कि अरे ये क्या हो गया, फिर गूगल महाराज बोलते हैं नहीं गलती हो गई, वापस चलो जहाँ से हम आए थे। दरअसल यहाँ पे अब जो समय है वो है 3:43 यहाँ पे अभी जो टाइम का डिफरेंस है भारत से वो है 4.5 घंटे का। अब आपको दिखाते हैं अल्बानिया की बहुत ही एक खूबसूरत लेक। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, लोकल्स टूरिस्ट काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अल्बानिया जो है यूरोप का एक बहुत ही छोटा देश है, यहाँ की जो आबादी है वो है सिर्फ 28 लाख, बहुत छोटा सा देश है और यहाँ की जो इकनॉमी है वो भी उतनी ज़्यादा ख़ास नहीं है, और यहाँ की जो करेंसी है वो है अल्बानियन लेक। इनकी जो करेंसी है, इनका जो एक अल्बानियन लेक है वो हमारे 70 पैसे के बराबर है, यानी कि यहाँ पे जो खाना पीना रहना है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता है बाकी यूरोप के मुकाबले में। लेकिन खूबसूरत देश है, काफ़ी खूबसूरत है, और सबसे बड़ी बात है यहाँ के लोग वो बड़े फ्रेंडली हैं बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे बिल्कुल सेफ़ है। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं अल्बानिया तो अल्बानिया सेफ़ है ट्रैवलिंग के लिए, आप आ सकते हैं, एक छोटा सा देश है और यूरोप की एक आपकी सस्ती यात्रा हो सकती है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे जो रहना है खाना पीना है वो उतना ज़्यादा महंगा नहीं है दूसरे जो यूरोपियन देश है उनके मुकाबले। भारत से यहाँ पे कोई फ़्लाइट खैर नहीं आती है, आपको आना होगा वाया दुबई या वाया रशिया या फिर वाया इस्तानबुल, और भी दूसरे कई रास्ते हैं लेकिन ये 3 रास्ते मेन हैं। दिक्कत ये है कि जैसे ही अल्बानिया खुला भारतीयों के लिए वीज़ा फ्री, वैसे ही भारतीयों ने अपना वही काम करना शुरू कर दिया जिसका पूरी यूरोपियन कंट्रीज़ को डर है। वो काम क्या था कि भाग के पहले अल्बानिया आना, क्योंकि यहाँ पे एंट्री बिल्कुल फ्री है, और यहाँ से जो भारत के लोग हैं वो भागते हैं यूरोप के अलग अलग देशों में। अभी भी बहुत सारे लोग यहाँ पे सर्बिया में और अल्बानिया में फंसे हुए हैं भारतीय, जो भारत से तो निकल गए लेकिन अब वो आगे जाना चाहते हैं, अब वो आगे के हैं ना पीछे के हैं, उनके जो एजेंट्स हैं उन्होंने उनके पासपोर्ट लिए हुए हैं, पैसे इतने ज़्यादा लिए हुए हैं 25-25 लाख रुपए। खैर वो एक ऐसी चीज़ है कि जो हम भारतीयों के ना सिर्फ शर्म की बात है बल्कि जो आने वाले ट्रैवलर्स हैं उनके लिए भी बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इन चीज़ों का हमें बिल्कुल ख़ास ध्यान रखना होगा कि ये ना सिर्फ हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता बल्कि जो आने वाले लोग हैं। अब मान लीजिए हम दोनों हैं यहाँ पे, अभी हम अल्बानिया घूमेंगे, हमें मालूम है हो सकता हम अल्बानिया दोबारा ना आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ ऐसा यहाँ से करके जाएं कि जो आने वाले लोग हैं भारत से उनका रास्ता ही बंद हो जाए। तो इन चीज़ों का हम लोगों को ख़ास ध्यान रखना है। अल्बानिया के साथ थोड़ा सा कंपैरिजन मैं आपको दिखाना चाहूँगा।
ये थोड़ा सा आपको एक थोड़ा सा हम दिखाना चाहते थे कि कितना महंगा है, तो आपको बिल्कुल भी महंगा नहीं लगेगा अल्बेनिया, क्योंकि भारतीय रुपये में इसकी कीमत है सिर्फ और सिर्फ 35 लाख 40 रुपये, 35 से 40 है, तो 35 से 40 के बीच में है, और लगभग 60 लाख यहाँ की करेंसी के हिसाब से हमने पे किए हैं दोनों बॉटल के लिए, 120 जो कि ठीक है, नॉर्मल है। यूरोप में अगर आपको कोई इस तरह की सस्ती चीज़ मिल जाए कहीं, तो समझ लीजिए आप किस्मत वाले हो। क्यों भाई ये इसकी चीज में बताता हूँ, लेक ये ना 80 लेक की मेरे को बाहर मिलती है ये डिपार्टमेंटल स्टोर में, बट यहाँ पे जब हम लेक के वहाँ पे आए तो वहाँ पे बहुत सस्ती मिली, 60 60। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट में उसका प्राइस नहीं लिखा होता, जैसे भारत में है कि हर प्रोडक्ट में प्राइस लिखना ज़रूरी है, ये कानून है हमारे भारत का, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ आपको ऐसी मिलेंगी कि जहाँ पे उस प्रोडक्ट का प्राइस नहीं लिखा होगा, जिसमें से कि एक रशिया भी है। रशिया में जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर है तो वो अपना टैग लगाते थे कि ये इसमें 22 रुपए का, 22 रूबल का है या 30 रूबल का है, इसमें कहीं पे भी प्राइस नहीं लिखा हुआ। भारत में प्राइस लिखा होगा उससे ऊपर बेच नहीं सकते आप, लेकिन यहाँ पे कोई प्राइस नहीं है, इनको दूसरी जगह पे किसी दूसरे रेट में मिल रही थी, यहाँ पे किसी दूसरे रेट में मिल रही है, रेट चेंजेस है, ठीक है। और अगर कहीं तीसरी जगह हम जाएंगे छोटी जगह पे, तो हो सकता है इससे भी सस्ती मिल जाए। देखो इंडिया में अगर हम लोग कोई गार्डन वगैरह में जाते हैं ना, वहाँ पे कॉस्टली मिलती है, बल्कि यहाँ पे सस्ती मिल रही है। और यहाँ जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पे सस्ती मिल रही है, जो स्टोर्स हैं वहाँ पे महंगी मिल रही है। यार मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि सच में ये गाली दे रहा था और फिर हंस भी रहे थे, गाली दे रहा था कि तुम कंजूस लोग आ गए, साले 1 रुपये नहीं दे सकते हो, और बस सुनने के लिए आए। फ़िलहाल जो लेक थी वहाँ से अभी हम लोग फिर से वापस सिटी सेंटर पहुँच चुके हैं इस समय, और अब हम लोग जा रहे हैं मेरे हॉस्टल की तरफ़।